व्हाट्सएप पर अपना चैनल कैसे बनाएं, व्हाट्सएप चैनल कैसे बनाएं। दोस्तों आप सभी चेक कर सकते हैं कि अब जो है लगभग सभी को व्हाट्सएप चैनल की एक ऑप्शन मिल रही है, बट काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई व्हाट्सएप चैनल कैसे बनाएं, कैसे हम यूज़ करें, क्या है इसका इस्तेमाल, वो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। हर कोई आपको ये बता रहा होगा कि कैसे आप इसको हटाएं, बट आज इस वीडियो में आप जानोगे कैसे आप इसको यूज़ करें। तो भाई लोग सबसे पहले मैं अपना व्हाट्सअप को ओपन कर लेता हूं, एंड एक और चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, अब जो है लगभग ये ऑलमोस्ट सबको मिल चुका है। वैसे ये चार दिन पहले ही रोल आउट होना शुरू हो चुका था फीचर, तो आप जाओ अगर आपको नहीं मिला है तो अपडेट मार लेना, आपको अपडेट करते ही वैसे ही ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। तो व्हाट्सअप को ओपन करने के बाद अब जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका स्टेटस वाला था वो यहाँ पे ऊपर चला गया, एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है अपडेट। जी हाँ दोस्तों, आपको अपडेट वाले फोल्डर पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको चैट देखने को मिलेंगी, स्टेटस पे क्लिक करोगे तो आपको तो जैसे आप सभी यहाँ पे अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप सभी को यहाँ पे इस तरीके से चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे चैनल्स की लिस्ट मिल जाती है। देखो सबसे पहले आप ये चीज़ जान लो कि भाई लोग ये जो है हर कोई बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, पहले लोगों ने कहा कि भाई जिनके पास ब्लू टिक है, ये ग्रीन टिक है, वो ही बना पाएंगे। नहीं, आम जनता भी बना सकती है, मैंने खुद अपना बनाया हुआ है, ठीक है। तो देखो ये चीज़ जो है मैं आपको बताऊँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे कैटरीना कैफ का जो है यहाँ पे ये चैनल बना, इसके अंदर आप किसी को रिप्लाई नहीं कर सकते, मैसेज नहीं कर सकते, जो आप चैनल बनाएंगे उसकी कोई भी आपकी प्राइवेसी नहीं ले सकता, कोई भी आपका नंबर नहीं जान पाएगा, कोई नेम नहीं जान पाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप ये मत चिंता करना कि यार मैं अपना जो है यहाँ पे बना लूँगा तो क्या मेरा नंबर जाएगा, नहीं, नेम नंबर सबका छुपा रहेगा, कोई वो नहीं जाएगी, ठीक है। देखो कैटरीना कैफ है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे फॉलो किया। अभी देखो इनका क्या कहने का मतलब है, देखो सुनो, Guess what? I'm super excited to be sharing with you that I'm going to be launching my very own WhatsApp channel, where I will be sharing exclusive updates on all my latest films, projects, collaborations, and news about my life. तो जैसा कि दोस्तों आप सभी सुन सकते हैं, यहाँ पे जो है जो भी ये रूटीन में चीज़ें करेंगे, जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे लोगों की पोस्ट देखते हैं, वो अपनी रूटीन शेयर करते हैं, वैसे ही यहाँ पे अब जो है ये चीज़ भी यहाँ पे आ चुकी है। देखा है आपने, सुनी लिया है, तो ऐसे ही जिनको आप यहाँ पे फॉलो करेंगे, आपको इंस्टाग्राम की तरह जैसे उनका कॉन्टेंट देखने को मिलता है, वो क्या कर रहे हैं, जो पोस्ट डालते हैं, क्या हिंट देना चाहते हैं, उनकी न्यूज़ सब कुछ देखने को मिलेगा। अब वो चीज़ यहाँ पे भी सेम आ चुकी है, आपने सुनी लिया है। तो ये दोस्तों एक तरीका है, माध्यम है जुड़ने का लोगों से, ठीक है। तो आपके जो स्टेटस है वो आपको टॉप पे मिल जाएंगे। अब बारी आती है हम अपना कैसे बनाएं चैनल, तो आपको कुछ भी नहीं करना भाई लोग, आपको प्लस का आइकन मिला है, इसके ऊपर क्लिक करो। आप किसी का यहाँ पे नेम डालकर भी इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये वाली सुविधा मिल जाती है, आप डायरेक्टली यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप उनको फॉलो कर लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे हम फॉलो नहीं करेंगे, अपना चैनल बनाएंगे, ठीक है। तो प्लस के आइकन पे क्लिक करो एंड यहाँ पे आएगा क्रिएट चैनल पे जाओ एंड यहाँ पे कंटिन्यू कर दो। सबसे पहले यहाँ पे अपनी फोटो लगा लो, जो भी आप यहाँ पे अपनी चैनल की फोटो डालना चाहते हो। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे को ये पसंद आ रही, ठीक है। तो आप सेलेक्ट कर लो जो भी आप अपनी फोटो रखना चाहते हैं चैनल की। उसके बाद दोस्तों नेम, तो जो भी आपका नेम है, जो भी आपका नेम रखना चाहते हैं चैनल का, वो आप रख लें। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं अपने बारे में, मेरा नाम, माय नेम इज, जो भी है, आप क्या काम करते हैं वो अपना डिटेल डाल देना। उसके बाद क्रिएट चैनल पे क्लिक करो, क्रिएट चैनल पे क्लिक करने के बाद आपका क्रिएट हो चुका है चैनल, ठीक है। अब आएगा इसको शेयर कैसे करना है, फॉलो भी तो होने चाहिए। आप देखो शेयर लिंक विद बाय व्हाट्सअप, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप सभी जो है सबको शेयर कर सकते हैं अपना जो है चैनल, यहाँ पे इस तरीके सेलेक्ट कर दें एंड इसके बाद दोस्तों आपका चैनल यहाँ पे शेयर हो जाएगा, तो ठीक है। अब व्हाट्सअप पर ही लोग आपको जो यहाँ पे फॉलो कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप जो भी यहाँ पे पोस्ट करेंगे, देखो यहाँ पे आप जो पोस्ट करेंगे वो सभी को दिखाई देंगे, जितने लोग भी फॉलो करेंगे, यहाँ पे जो आप मैसेज डालेंगे वो सभी लोगों तक जाएगा, एंड इसी तरीके से जो आप पोस्ट करेंगे वो सभी लोगों तक जाएगी, ठीक है। बट वो आपको रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, ना ही आपकी कोई नंबर, ना ही आपका नेम, ठीक है। नेम तो आपका सिर्फ ये वाला चैनल नेम जान पाएंगे, आपका कोई नंबर नहीं जान पाएगा, ठीक है। एंड आपके बारे में यहाँ पे जो लिखा होगा वो आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड इस तरीके से यदि आप अपना चैनल डिलीट करना चाहते हैं तो वो आप डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पे आ रहा है चैनल डिलीट, तो यदि आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे इस तरीके से इसको डिलीट भी कर सकते हैं, अपना नंबर डालकर यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जो इंडिया सेलेक्ट करके उसके बाद दोस्तों अपने यहाँ पे नंबर इस तरीके से इंडिया सेलेक्ट करना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नंबर डाल दो इस तरीके से एंड यहाँ पे कर दो डिलीट, ठीक है। तो जैसे आप क्लिक कर दोगे आपका जो चैनल यहाँ पे डिलीट भी हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आपने बनाना है, इसका यूसेज बता दिया कि आप सभी जो भी पोस्ट करेंगे वो ऐसे लोगों तक जाएगी जैसे इंस्टाग्राम पे होती है, वही एक तरीके से आपका जो इंस्टाग्राम वाला फीचर यहाँ पे भी काम करता है। आशा करता हूँ मैंने आपको काफी डिटेल में बताया है कि क्या है ये फीचर, व्हाट्सएप पे आप चैनल कैसे बनाएंगे एंड कैसे आप इसका इस्तेमाल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस।